नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मगू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा एक तरह से पूरी तरह से इस समय चुनावी मोड में आ रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस, बीजेपी और इसके साथ साथ तमाम क्षेत्रीय दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, जेजेपी, बीएसपी, ये सब पार्टियां इस समय चुनावी रंग में रंगी दिखाई दे रही हैं। सबकी योजना है कि आखिर किस प्रकार से हरियाणा की जनता को अपने जो उनकी नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनमें ढाल लें, ताकि हरियाणा की जनता उनकी नीतियों के अनुरूप उनको वोट करें और वो हरियाणा की सत्ता में आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है कि उनकी 10 साल की सरकार है। मनोहर लाल इसके मुखिया थे, अब नायब सिंह सैनी इसके सरकार के कर्ता धर्ता हैं, तो उनकी इच्छा है कि किसी भी प्रकार से एक बार हैट्रिक लग जाए, यानी कि सरकार बची रहे, तीसरी बार फिर आ जाए। कांग्रेस जो कि 10 साल से सत्ता से बाहर है, कांग्रेस चाहती है कि किसी प्रकार से अब उनकी हरियाणा में वापसी हो। इंडियन नेशनल लोकदल, जिसको आजकल अभय सिंह चौटाला संभाल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता करके अभय सिंह चौटाला भी इस जुगाड़ में हैं कि कैसे 20 साल का राजनीतिक सूखा खत्म हो। और दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, यानी कि जेजेपी, अजय सिंह चौटाला, नैना चौटाला, ये लोग हैं, ये चाहते हैं कि कैसे आखिर जो पिछली बार 2019 में किंग मेकर बन गए थे, आखिर वही भूमिका वापस कैसे मिल जाए। सुनीता केजरीवाल घूम रही हैं अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में, बता रही हैं कि हरियाणा का लाल है, कि हरियाणा के लाल के नाम पर आम आदमी पार्टी का भी कोई रास्ता खुले। तो यानी कि तमाम राजनीतिक दल लगे हैं। और मैं आपसे जिस मुद्दे पर चर्चा में हूँ, ये है कि लोकसभा चुनाव के अंदर हरियाणा में 5 सीट गंवाने के बाद, लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 5 सीट हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी बड़े मंथन के दौर में है। 2019 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। इससे पहले 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, मोदी लहर के रथ पर सवार, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती थी, 7, हालांकि लड़ी भी 8 पर थी, 8 में से 7 जीत ली थी। 8 में से 7 जीती 2014 में, 10 की 10 जीत ली 2019 में, और वो 2024 आते आते 5 सीट घट गई, 5 सीटों पर रह गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत गंभीर मंथन के दौर में है। और इसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जो आरएसएस के जो चुनाव विशेषज्ञ हैं, चुनाव देखते हैं वो, और हरियाणा भाजपा के बड़े नेता आज इकट्ठे मिल करके बैठे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के पुराने कार्यालय, जो अशोका रोड पर पुराना कार्यालय है, उस पर इकट्ठे हुए और रणनीति बनाई। उस रणनीति के अंदर हालांकि मंथन में क्या निकला, लेकिन हरियाणा जीतने के लिए, हरियाणा फतेह करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। आज जो बैठक हुई, इस बैठक के अंदर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह हैं, यानी कि मोहन भागवत के बाद नंबर 2 सह सर कार्यवाह अरुण कुमार इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक के अंदर अरुण कुमार जी के साथ साथ जो उत्तर प्रांत के हैं, उत्तर क्षेत्र के हैं, यानी कि उत्तर भारत के संघ चालक, वो भी मौजूद रहे। हरियाणा के प्रांत संघ चालक, वो भी मौजूद रहे। हरियाणा के प्रचारक भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये लोग तो संघ की तरफ से थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बैठक के अंदर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली मौजूद रहे। इनके साथ साथ इस बैठक के अंदर हरियाणा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। हरियाणा के चुनाव सह प्रभारी विप्लव कुमार देव मौजूद रहे। हरियाणा भाजपा के संगठन मंत्री फणेंद्र नाथ शामिल रहे। यानी कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस हरियाणा से जुड़े इस मुद्दे पर दोनों ने मिल बैठ करके मंथन किया। अब उस मंथन में क्या बात चली होंगी, उस मंथन में क्या तय किया गया होगा, ये सब कुछ तो आने वाले समय में सामने आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बैठक के बड़े मायने हैं। इस बैठक के बड़े मायने इसलिए है कि जो हरियाणा का भी हाल का लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें हार गई, 5 सीटें जीत तो ली लेकिन 5 सीटों का नुकसान भी हुआ। इस चुनाव के अंदर जो लोकसभा का चुनाव था,
उस चुनाव के अंदर कई प्रकार की बातें चलती थी। चुनाव के अंदर ये चलता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस कहीं नाराज है। चुनाव के अंदर एक बातें आती थी कि आरएसएस अपनी उस भूमिका में नहीं है जिसमें हुआ करता है, और उसी का परिणाम निकला कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 5 सीटों का नुकसान हो गया। अब माने तो आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की प्राइमरी से लेकर के और हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तक की पाठशाला है। यानी कि आरएसएस के अंदर ही तय होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस काम के इस आधार पर, किस नीति के आधार पर, क्योंकि जनता के अंदर आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं उनकी बड़ी पैठ होती है, और उस लिहाज से तय किया जाता है कि चुनाव जीतने के लिए कौन सी रीति नीति रणनीति बनाई जाए। और क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि 2019 के बाद में जो 2024 का चुनाव आया, जो 2019 के चुनाव में जबकि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीत गई थी लोकसभा की, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में उतरी थी तो उस चुनाव में, यानी कि विधानसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को केवल 40 सीटें मिली थी, बहुमत भी नहीं मिल पाया था अपने दम पर। जननायक जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट के भरोसे वो सरकार बनी थी और आज भी इंडिपेंडेंट के सहारे वो सरकार चल रही है। लेकिन ये जरूर है कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जीत ली, और 10 सीटें जीतने के बाद जब उसको विधानसभा वाइज बांटा गया तो 75 सीटों पर आगे रही भारतीय जनता पार्टी 75 पर। लेकिन वो विधानसभा चुनाव आते आते अगले, यानी कि 5-6 महीने के अंदर अंदर वो ग्राफ इतना गिरा कि 40 सीटें रह गई केवल। और अब जबकि पूरे देश के अंदर जो मोदी पार्ट 3 की सरकार है, सरकार तो है, एनडीए की सरकार है, और मोदी को वो सफलता नहीं मिली देश के अंदर जो 2014-19 में मिल गई थी। इसी प्रकार हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को सीटें तो 5 मिल गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको 5 सीटों का नुकसान भी हो गया। 10 की 10 सीटें जीतने के बाद जब 40 पर गाड़ी रुक गई थी, तो फिर 5 सीटों के नुकसान के बाद भारतीय जनता पार्टी को क्या नफा नुकसान हो सकता है, ये समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और इसको समझ भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक भी, कर्ता धर्ता भी। इसके साथ साथ आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना जरूरी है। अभी हाल ही में जो 4 जून को चुनाव परिणाम आए, जिसके अंदर की 400 पार के नारे के साथ उतरी भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर रुक गई, और पूरे देश के अंदर ये बात गई कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो हरियाणा के अंदर भी है। और मैं आपको बताऊं कितना जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए आज के हालात में। अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के गृह मंत्री हैं, अभी इसी महीने में जो जुलाई का महीना चल रहा है जिसमें अभी 2 दिन बाकी हैं, इस जुलाई के महीने में अमित शाह 2 बार हरियाणा का दौरा कर चुके हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी और ओबीसी समाज के लोगों को भी साध के गए थे अमित शाह, और अमित शाह ने यह संदेश दे रखा है कि उनके लिए हरियाणा बहुत जरूरी है। हरियाणा और एक लिहाज से जरूरी है दोस्तों, अगर आप देखें तो जो मोदी पार्ट 2 की सरकार थी, जो पिछली सरकार 2019 से 2024 चली, उस चुनाव सरकार के दौरान में किसान आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, और वो किसान आंदोलन ने सरकार की चूले हिला दी। उसके अंदर बड़ी बात यह थी कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसके चलते किसान आंदोलन दिल्ली में अपना वो असर नहीं दिखा पाया। अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले भी चल रहा था कि जो सिंधु बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उनको लेकर मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। यानी कि जो पंजाब से जो किसान आना चाह रहे थे, दिल्ली कूच के लिए निकले थे, उनको हरियाणा की सीमाओं पर ही रोक दिया, और वो संभव हुआ क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार थी। अगर हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं अपनी सरकार खो बैठती है, तो फिर कई बड़े ऐसे आंदोलन हैं जो दिल्ली में होते हैं, और दिल्ली में जाने के लिए 3 तरफ से हरियाणा का रास्ता बनता है दोस्तों, 3 तरफ से। इस सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ है कि किसी भी प्रकार से हरियाणा को जीता जाए, हरियाणा जो 2 बार से उनका है, 3री बार भी उनका हो। और इसी को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की बैठक चली। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या इस बैठक के कितने सार्थक परिणाम सामने आएंगे? आपको क्या लगता है कि क्या इस बैठक के अंदर क्या रणनीति बनी होगी, और किन रणनीतियों के तहत भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी?
और आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से चुनाव से ठीक 3 महीने पहले यानी कि विधानसभा चुनाव अभी आने हैं और उससे पहले लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के ऐलान के ठीक पहले जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया था, मनोहर लाल की जगह नायब सिंह आ गए थे, तो क्या उसी प्रकार से विधानसभा चुनाव के लिए जो भाजपा के विधायक हैं या जो पुराने प्रत्याशी हैं, कितने बड़े पैमाने पर भाजपा उन चेहरों को बदल सकती है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।